दोस्तों आज मैं एक चमत्कारी पत्तियों के बारे में बताने वाली हूँ। सभी के घर में मौजूद होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमें इसके औषधीय गुणों के बारे में पता नहीं होता। इस वजह से इसे हम किसी कोने पे ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह रख देते हैं। इसमें औषधि गुण इतनी ज़्यादा होती हैं इनकी पत्तियों में, अगर आप पहचानते हैं तो आपको पता होगा। इससे इतनी स्वादिष्ट रेसिपीज़ बनकर तैयार होती हैं, अलग अलग तरीके की रेसिपीज़ बनती हैं, और इसके औषधि गुण इतने ज़्यादा होते हैं कि इससे अनेकों बीमारी, कम से कम 15 से 20 बीमारियों का इलाज ये अकेली ये पत्तियां हैं, और इसे अलग अलग तरीक़ों से खाया भी जाता इस है। इस पत्ती का नाम, इस पौधे का नाम जो है उसे हम कर्पूर वल्ली बोलते हैं। बहुत सारी जगह पे लोग इसे अजवाइन का पौधा बोलते हैं, लेकिन ये अजवाइन जो हम घर में प्रयोग करते हैं उसका पौधा नहीं है, इसका नाम कर्पूर वल्ली है। अब लोग इसे अजवाइन क्यों बोलते हैं तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि इसको जब आप इसकी पत्तियों को खाएँगे ना तो इसका जो सुगंध है, पत्तियों की जो फ्रेग्रेंस है यानी सुगंध है, बिल्कुल अजवाइन, तेज अजवाइन जैसी लगती है। इसीलिए इसको ज़्यादातर अजवाइन का पौधा बोला इसे जाता लगाना है। भी बहुत आसान है, तो सारा कुछ वीडियो में मैं बताऊंगी कि इसे आप कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों इसके मदद से हमारे शरीर में अगर अर्थराइटिस भी है तो उसे भी ठीक किया जा सकता है। यहाँ तक कि जिनको कब्ज, कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है, पेट हमेशा ख़राब रहता है, पेट सही ढंग से काम नहीं करता, कुछ भी खाने के बाद उल्टियां आती हैं, तो उनके लिए तो ये पत्तियां रामबाण हैं। एंटी एजिंग भी है इस पत्ती में, इतने फ़ायदे हैं कि अगर आप इसका रोज़ सेवन करेंगे तो आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। एंटी बैक्टीरियल, सर्दी खांसी के लिए रामबाण, इन्फेक्शन में, फ्लू में, सब कुछ के लिए बहुत ही अच्छा है। दोस्तों क्या होता है ना कि ये पत्ती अगर हमारे शरीर में एसिडिटी है उसको निकाल फेंकता है। एसिडिटी जब ज़्यादा बढ़ जाती है, सारे रोगों की जो समस्या है वो पेट से ही शुरू होती है, हम सभी को पता है। तो इस जब पेट नहीं ठीक होगा तो जो गैस है वो धीरे धीरे हमारे नसों में, हमारे हड्डियों में जाने लगती हैं, जिसकी वजह से दर्द होने लगता है, जकड़न होने लगता है, और यहाँ तक कि ये बच्चों को भी खिला सकते हैं, बड़े बुजुर्ग सभी को आप दे सकते हैं। तो चलिए आज आपके लिए एक स्वादिष्ट सी रेसिपी शेयर कर देती हूँ, कम से कम 3 तरीका बता देती हूँ जिसकी मदद से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे मैंने 3-4 पत्तियाँ ले ली हैं, अगर बड़ी पत्ती हैं तो 3-4, छोटी हैं तो और ज़्यादा ले लें। एक व्यक्ति के लिए बनाकर दिखा देती हूँ, आप ज़्यादा व्यक्ति के लिए अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं मात्रा। तो ये पत्तियों को हम क्या करेंगे, सबसे पहले पानी में अच्छी तरह से धो लेंगे, इसके ऊपर जो धूल मिट्टी पड़ी हो वो सारा कुछ साफ़ हो जाए। पानी से धोने के बाद इन पत्तियों को हम कैंची की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। काटने के बाद हम इसमें स्वाद के लिए डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा नमक, और स्वाद के अनुसार, और डालेंगे इसमें हम हल्दी, एक चुटकी हल्दी का पाउडर हम डाल देंगे, और इसमें हम स्वाद के लिए डाल देंगे हरी मिर्च, इससे स्वाद और बढ़ जाएगा। इतनी अच्छी खुशबू आपको आएगी ना, फ्रेग्रेंस अजवाइन, जो तेज अजवाइन होती है ना, वैसी खुशबू आएगी और बहुत स्वादिष्ट भी लगेगा। मुझे तो अभी से पानी आ रहा है मुँह में। आप एक बार बना लेंगे ना, बार बार बनाएंगे, बच्चे भी मांग मांग के खाएंगे। फिर देखिए हमने यहाँ पे आटा लिया है, जो गेहूँ का आटा, उसका बना लिया है हमने लोई, जैसे आटा गूंथ के पानी में बनाते हैं ना उस प्रकार से, तो वो तो हम सबको पता है, तो मैं ज़्यादा बनाती तो वीडियो लंबी हो जाती, तो इसीलिए आप देखिए हमने इसे पराठे की तरह बेल लिया है। और बेलने के बाद इसके ऊपर हम रोटी जैसा बेलेंगे, थोड़ा सा घी लगा के, घी लगाने से स्वाद अच्छा आएगा और घी हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। तो इसके ऊपर जो हमने कर्पूर वल्ली के पौधे को काट लिया था, सॉरी लीव्स को, यानी उसकी पत्तियों को, उसको डालकर, और इसको हम जैसे पराठा की तरह बेलते हैं ना वैसे बेल लेना है। माफ़ करिएगा, मुझे पराठा इतने अच्छे से बनाने नहीं आती है, लेकिन स्वाद तो अच्छा ही आएगा ना, आप जैसे भी बनाएं, गोले बने, तिरछे बने, लेकिन स्वाद अच्छी ही बनती है। तो हमने इसको पराठे की जैसे की तरह बेल लिया है, कोशिश किया है बनाने की, तो आप देखिए, आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप अच्छे तरह से इसे बना लेंगे तो ये बहुत अच्छे से फूल भी जाती है। और इसे हम दोनों तरफ से सेक के, आप सभी को ज़्यादा पता है इसके बारे में, अगर कुकिंग एक्सपर्ट है तो ये मस्त वाला फूल जाएगा, और ये हमारे सेहत को इतना मजबूत बनाता है दोस्तों। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा होती है, जिसकी वजह से हमारा शरीर बहुत मजबूत हो जाता है, और शरीर को अंदर से ये डिटॉक्स करता है।
हर बीमारियों के लिए ये काल है, आप ऐसे बोल सकते हैं। मसल के क्रैम्प को ये दूर करता है। आप एक बार इसको ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। स्वादिष्ट तो भी, तो खुशबू इतनी अच्छी आती है कि पूछिए ही मत, इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। और एसिडिटी का तो छुटकारा ही मिल जाएगा। देखिए मैं तोड़ के बता रही हूँ, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और ये अच्छे से पक गया है, इतना मस्त लगेगा खा के। आप एक बार बनाइएगा और कृपया मुझे मैसेज करके बताइएगा कि आपने बनाया और खाया। और ये एक हेल्दी तरीका है। दूसरा तरीका चलिए जान लेते हैं। दूसरे तरीके में क्या है ना कि अगर आप पत्तियों को ऐसे नहीं खाना चाहते हैं तो आपके लिए नई है ये पत्ती, तो आप क्या करें, पानी एक गिलास ले लें और इसमें इस पत्ती का हमें काट कर रख देना है और इसका हमें क्या करना है, उबाल लेना है। इसे मीडियम फ्लेम पर उबालिएगा और इसे कम से कम 5 मिनट के लिए उबाल लीजिए। उबालने के बाद हम क्या करेंगे, पत्तियों को छानेंगे नहीं, एक ऐसे ही कप में निकाल लेंगे। बिना छाने हुए हम निकाल लेंगे कि इसका चाय बना लेंगे, निकाल लेंगे। और पत्तियां चाहे तो आप छान लीजिए अगर आपको नहीं अच्छा लगता है, लेकिन पत्तियों में ज़्यादा फ़ायदे हैं, ज़्यादा फ़ायदा इसके पत्तियों को खाने में है। लेकिन ठीक है, उसकी जो पानी निकल गई है उबालने के बाद, इस चाय को आप सिप सिप करके पीजिए, पेट की समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। अगर पेट की समस्या दूर हो गई तो बहुत सारी बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। इसको हम एंटी कैंसर भी बोलते हैं, यानी ये कैंसर भी नहीं होने देता है, इतने ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। और इसके ऊपर बहुत सारी स्टडी की गई हैं और सच में ये फ़ायदेमंद है। हमारे घर में तो इसके पौधे लगे हुए हैं और इसके फ़ायदे के बारे में हम जानते हैं। इसके अलग अलग तरह के इसके रेसिपीज़ बनते हैं, बहुत सारे लोग इसके पकौड़े भी बनाते हैं, हम भी बनाते हैं, पकौड़े भी बनाएंगे, बहुत स्वादिष्ट लगेगी खाने में। और आप चाहें तो सुबह सुबह उठकर, आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो एक पत्ती ले लीजिए, तोड़ के दिखाती हूँ मैं इसको। देखिए इस प्रकार से मोटी पत्ती होती है, एक पत्ती ले लीजिए सुबह, इसे चबाकर दांत के तले खा लीजिए खाली पेट, और गर्म पानी आप ऊपर से पी लीजिए अगर आपको ये तामझाम नहीं करना है तो। पी लीजिए इस प्रकार से और इस पत्ती को चबा चबा के खा लीजिए, गर्म पानी पीना नहीं भूलिएगा। ज़बरदस्त फ़ायदा आपको मिलेगा, कुछ ही दिनों में आपके पेट की हर समस्या दूर हो जाएगी, हड्डी दर्द, नस दर्द, सारी समस्या, खून साफ हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अभी आपको अगली चीज़ बता देती हूँ। इसमें आपको क्या करना है कि ये जो पौधा लगाना कैसे है, बहुत आसान है। इस पौधे को कहीं से भी तोड़ लीजिए, इसकी जो बहुत सॉफ्टली टूट जाता है, बहुत हल्का सा ऐसे घुमाएंगे पत्तियाँ, इसकी जो तने हैं वो टूट जाती हैं। और इसको कहीं भी गमले में इस तरह से लगा दें, बिल्कुल ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है, इंडोर प्लांट है, इसको कभी कभी धूप लगा दीजिए, बिल्कुल नहीं सूखता है। सारे रिलेटिव्स को, सारे दोस्त को दे दीजिए और इसके फ़ायदे बता दीजिए, बहुत ही फ़ायदेमंद ये पत्तियां हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर कर दीजिए, फटाफट से शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए, सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सके। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, शुक्रिया।